हाँ जी, तो सबसे बड़ा चीज देख लो भाई, जो नहीं मैं मतलब जो भी चीज आएगा। क्या कर रहे यार, इंडिकेट हो जाएगा दुकान यहाँ, ठीक है। चड्डी वाला वीडियो आएगा इस महाशय का। हाँ जी हाँ जी हाँ जी मेरे प्यारे दोस्तों, का हाल वा, उम्मीद करते सब अच्छे होंगे। तो अभी ज्ञान अच्छा एक्सप्रेस यहाँ पर चाय पिए और निकल रहे हैं अपने यात्रा के लिए। कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे सब बताएंगे, तो बस बने रहिए और बातें करते रहेंगे। आइए ना, ठीक है। तो मैंने क्या यहाँ थोड़ा सा फ़ोटो वोटो क्लिक करेंगे, सेल्फी वेल्फी लेंगे, उसके बाद फिर यहाँ से निकल जाएंगे। कोई तरह का दिक्कत ना होना चाहिए, दिक्कत होगा तो फोन कीजिएगा, ठीक है। दिक्कत होगा तो फोन करेंगे। और कुछ ध्यान रखिएगा अच्छे से। हाँ हाँ मेरी जान, तेज मत जाइए गाड़ी लेके, ठीक है, ठीक है। आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपकी यात्रा मंगलमय। हाँ अरे बाप रे भाई, एक महीना बाद आ रहा ऐसे। हाँ जरूर जरूर, लेट भी हो गया। धन्यवाद धन्यवाद। ठीक पहुंचेगा जैसे फोन कीजिएगा, मैसेज। हाँ रास्ते उससे में बात होते रहे, ठीक ठीक। तो हाँ जी मिलजुल लिए हैं और निकल गए हैं। निकल क्या गए हैं, कहीं रास्ते में रुकते हैं पहले, तो यहाँ से भागते हैं कहीं अच्छा जगह। देख रहे हो भाई कैसे रोड रोड पर मक्का बिछा दिया गया और एनर्जी फुल, बौकाल तबाही जो बोलो आप। एक तो गर्मी है भाई, इतना गर्मी में निकलना लेकिन क्या करें, काम ही ऐसा है भैया। मतलब मेरे को तो सच्ची बताओ ना तो मज़ा आ जाता भाई, मज़ा आ जाता। हाँ जी, तो सबसे बड़ा चीज़ देख लो भाई, जो इंस्टाग्राम पर होंगे उन्हें तो पता होगा, चार धाम यात्रा फ्रॉम बिहार। तो क्या चार धाम क्यों जा रहे हैं, आप बहुत गिनी को पता होगा, बहुत गिनी को नहीं होगा पता। ये रहा आपका बैग और देख रहे हो भाई टायर भी चेंज हो गया है, टायर चेंज करा लिया है, पूरा खतरनाक तरीके से सर्विस भी हो गया है। तो अभी क्या है ना कि ट्रिप सेट नहीं किए थे, यहाँ से करीब फोरबीसगंज में 6-7 किलोमीटर निकल भी आया हूँ। तो मैं सोचा ना कि एक अपना जो ट्रिप है ना, जैसे ये है तो इसको जीरो कर लिए। अब क्या है ना, यहाँ से जाने में अच्छा होगा, पता होगा कि कितना किलोमीटर। वैसे तो 14,800 मतलब टोटल मान लें ओटीओ, तो ये भी सही है, वैसे ट्रिप तो है ही अपना। तो चलिए यहाँ से भगाते हैं और तूफानी करते चलेंगे और आप लोग को दिखाते चलेंगे। तो ठीक है, बढ़ते हैं कहीं पेट्रोल पंप पर, पहले पेट्रोल बढ़ाएंगे। देख रहे हो भाई पेट्रोल वाला जो इंडिकेटर, ये देखो डिग 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 करने लगा है। तो एक तो बहुत दिन के बाद जो मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब अलग ही मतलब फील करा रहा है, ऐसा लग रहा है कि क्या ही कर रहा हूँ बहुत दिन के बाद। कोई भी चीज़ अगर कंटिन्यू कर रहे हैं आप, फिर नहीं करते हो ना, छोड़ देते हो ना, तो प्रॉब्लम तो आता है। तो चलिए मिलते हैं पेट्रोल पंप पे, कहीं पेट्रोल बढ़ाते हैं। जैन 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 तो हो, बहुत देर के बाद घूमते फिरते। अरे मेरे को क्यों लग रहा है ये वही पेट्रोल पंप है जहाँ मैं एक दरभंगा जा रहा था ना, तो भाई 1 रुपये के लिए मुझे बोला गया था, ठीक है। मुझे लगता है कहीं वही पेट्रोल पंप तो नहीं आ गया। हाँ यार बोला गया, मतलब कहने का था 1 रुपये ने मुझे छोड़ के भाई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो पेट्रोल पेट्रोल पेट्रोल
पावर वाला यहाँ नहीं है क्या? पावर वाला वहाँ है। क्या चीज फ्री है? मल्टीविटामिन यूज करते हैं नीले, क्या करेंगे डेली मल्टी फ्री दे रहे हैं है। क्या चीज़ फुल कराने के बाद? नहीं, 1000 के से ऊपर लेने पे। अच्छा, पार कर गया आपका। चलिए रखते हैं, पढ़ के देखेंगे क्या चीज़ है। तो भैया करीब करीब 1100 का डलवा लिए हैं, कितना लीटर का दिमाग में है तो वो एडिटिंग के समय पता चल जाएगा। तो उससे क्या है ना कि एक एवरेज निकालने में बढ़िया होगा ना कि कितना पेट्रोल चल जा रहा है। तो क्या है ना कि मोबाइल भी लगा दिए हैं, कोई इमरजेंसी कॉल आए तो कम से कम ये सामने रहेगा ना तो दिख जाएगा कॉल आ रहा है। ठीक है, तो अभी क्या है ना कि बस सीधे भगाते चलना है। और आज का सफ़र जो है ना, कोशिश ज़बरदस्ती नहीं है कि मतलब जाना ही है अयोध्या, बट आज का सफ़र ना अयोध्या को पहुंचाना है। तो ठीक है, अयोध्या करीब 580 किलोमीटर फॉरबिसगंज से पड़ता है, तो चलिए देखते हैं कहां तक जा पाते हैं। और जाते जाते रास्ते में आप लोग से बात भी करते चलेंगे, क्या है नहीं है सब कुछ बातें करेंगे। समय हो रहा है 10:26 और मुजफ्फरपुर पहुंचने में है 25 किलोमीटर की दूरी। तो भाई जैसे ही रुकते हैं ना तब गर्मी फील होने लगता है। बाइक वगैरह है कि भगाते चलो भगाते चलो भगाते चलो, कोई गर्मी उर्मी कुछ नहीं। हाँ बस प्यास व्यास लगती है, वो तो लगेगी ही इतनी गर्मी में, बट क्या ना मज़ा आ रहा है भाई, मज़ा आ रहा है कसम से। अभी तो मज़ा आ रहा है, आगे का नहीं पता कितना मज़ा आने वाला है, बट हाँ फिलहाल तो मज़ा आ रहा है। और सफ़र आज जैसा कि मैं बता ही दिया हूँ कि लखनऊ तक तय करने लखनऊ बोल रहे अयोध्या तक तय करने का सोचे हैं। बाकी देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं, पहले तो मुजफ्फरपुर पहुँचना है। तो ये वाला भैया जो दुकान है ना, ठीक है भाई थैंक यू भैया, पानी बोतल पूरा 1 लीटर वाला तो उतना पी पाते नहीं, ठीक है, तो बोले पर्सनल पानी यहाँ पी लो। तो मैंने थोड़ा सा पिया क्योंकि प्यास लगी हुई थी। क्या ना कि 1 लीटर मैं अभी पी पाता नहीं, और बोतल अगर ले लेता ना तो रास्ते में तो पानी ना गर्म होकर इतना ख़तरनाक हो जाता ना, तो प्यारे प्यारे लोग रास्ते में मिल जाते हैं, भैया पर्सनल पानी पीना चाहो तो पी सकते हो। मैं बोला भाई दे दो थोड़ा सा। अभी क्या है ना, इसके बाद चलना है मोतिहारी, ठीक है, मोतिहारी। और मोतिहारी से मतलब कि आई थिंक आज पहुंच जाऊंगा, देखता हूँ क्या होता है नहीं होता है, कोशिश में लगे हुए हैं। गाड़ी आज ना मैं ज़्यादा भगा भी नहीं रहा हूँ, 100 किलोमीटर 110 बहुत से बहुत मैं जाता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ। मुजफ्फरपुर मोतिहारी 65 किलोमीटर। नहीं मैं मतलब जो भी चीज़ आएगा, बॉस ट्रक गाड़ी गाड़ी कभी भी कुछ आपके साथ होता तो इसमें रिकॉर्ड होगा कि आप प्रूफ में रख सकते हैं कि मेरे साथ ये हुआ, या फिर कहीं जा रहे हैं तो आपके साथ यादगार पल है तो आप वीडियो में कभी देख सकते हैं, दिखा सकते हैं हम यहाँ यहाँ गए हैं, ये यात्रा पर गए हैं, तो ये मेरे लिए यादगार पल है। तो इसको हम YouTube पर भी पूरा रूट का ही मतलब कि इसको हम YouTube पर भी अपलोड करते हैं, अगर कोई देखना चाहता है, कोई अगर देखना चाहे तो वहाँ से भी देख सकता है। चलिए तो हमारे साथ ये अंकल है, तो इनको ना आश्चर्य लग गया कि भाई बाइक से इतना दूर जाना है, तो बोलने लगे कि अरे आप तो महान काम कर रहे हैं, आपके जैसा करना सबकी बस की बात नहीं है, आप करिए, आपका साथ जो है ना कभी बुरा नहीं होगा। तो बहुत सारा बात बोले,
तो जैसे कि वीडियो भी चालू कर रहे थे ना तो बताए कि वीडियो आखिर बंदा कैसे, तो वो क्लिप आप देखे ही होंगे कि पूछ रहे थे तो वही अंकल थे तो काफ़ी आश्चर्य लगा उनको भी बताया चार धाम। तो आप लोग को भी पता चलेगा चार धाम क्या है, क्यों जाना चाह रहे हैं, अचानक कैसे प्लानिंग बना, सारा कुछ बताएंगे, आराम से बताएंगे, निश्चित रहे, टोटल बातें करेंगे, खुल के बात करेंगे। क्या है कि इधर धूप है, धूप में भगाना चाहता हूँ मैं, फिर भगाता हूँ ना तो फिर आवाज़ नहीं आएगी ना अच्छे से, इसलिए नहीं बोलता हूँ भाई। समय हो गया है 2:01 और अब भूख जवाब दे रहा है। अब ना मुझे ढाबा खोजना पड़ेगा और पेट पूजा करना पड़ेगा। तो भाई रुके तो बच्चा सब हम मजाक में ले लिया, मतलब कि उनको लगा मैं मजाक कर रहा हूँ। मैंने बोला ना, बोला भैया कितना स्वस्थ खड़ा है, मतलब ये जनरली हर कोई पूछ ही देता है। तो बोला गरीब यूट्यूबर हूँ। तो बोला क्या मजाक कर रहे हैं, अभी सर्च करके देखते हैं। सर्च किया तो बोला ना सच में आप लोग इतना ही है, स्टार्टिंग है लगता है आपका। बोले हाँ स्टार्टिंग तो है, तो कोई बात नहीं, मेहनत करिए, धीरे धीरे बढ़िएगा। बोला हाँ यही चीज़ तो है। तो बच्चे लोग मिलता है, अच्छा लगता है, सब्सक्राइब करता है। तो अब क्या ना कि ढाबा खोजना, भूख जोड़ों की लगी हुई है दिन से ना। दिन से क्या ना कि मैं सोचा ना कि रास्ते में गोपालगंज के आसपास खाऊंगा, तो दोपहर के 1-2 के आसपास। तो एक जैसे ही बजा ना, मैं तब से ढूंढ रहा हूँ कुछ अच्छा, कोई ढाबा दिख जाए, बट क्या ना दिख ही नहीं रहा है। आई होप आसपास मिल जाए, क्योंकि भूख जोड़ों की लगी है, अब ना कंट्रोल से बाहर है भूख। भाई साहब ये क्या है। हाँ जी, तो बहुत ढूंढने के बाद मिल गया एक रेस्टोरेंट, तो सोचे खाना खा लेते हैं क्योंकि भूख जबरदस्त लगा। तो ये रहा यहाँ का कुछ रेस्टोरेंट का नज़ारा, और अपनी बाइक है बाहर में, वो खड़ी रही है अपनी बाइक, और खाना ऑर्डर कर दिया है, काफ़ी तगड़ा भूख लगा। उस समय हो गया कुछ ज़्यादा भैया, ये रहा यहाँ का होटल खाना। तो भाई इतना मसाला वाला दे दिया ना कि क्या ही बोलूँ, खाने ज़्यादा मन किया नहीं, खाए थोड़ा सा और आराम किए। इसका ना अरे आ जाओ मेरे भाई, हाँ देख रहे हो 4 घंटे का सफ़र है अयोध्या तक जाने का। वैसे गोरखपुर तो आराम से पहुंच जाएंगे जल्दी ही, यहाँ से 100 किलोमीटर है। अयोध्या जाने में थोड़ा सा 235 किलोमीटर है यहाँ से, तो उसको लेकर के थोड़ा सा टेंशन है। देखते हैं, एक फ़ोन ले लिए, पर्स ले लिए, और अब भगाना है बस। क्या कर रहे यार, इंडिकेटर दे दो दे भाई मेरे, चेकिंग पॉइंट है कृष्णनगर जनपद कुशीनगर। यूपी से चलना है भैया, इतना लंबा चौड़ा ट्रक है कि पूरा रास्ते जाम कर ले, ना जाएंगे सनम ना जाने देंगे सनम।
तुम पीछे पीछे आओ सनम, हम राह दिखाएंगे सनम। बस कुछ इस कदर चल रहे हैं, मैप अपनी जगह है, सही दिखा रहा है, बोल रहा है 36 किलोमीटर जाके घूम जाने। अब मैं इस ओर क्यों आ रहा हूँ, उस ओर क्यों नहीं गया, ये समझ में नहीं आ रहा है। अब समझ में आया उस ओर क्यों नहीं गए, उसी नगर। वाव, सवा छः बज गया बट सूरज डूबने का नाम ही नहीं ले रहा है। अरे डूब जा भाइयों, चलो नहीं डूब रहा था, एक फ़ायदा ये है कि मैं आराम से पहुंचूंगा, ठीक है, सूर्य अस्त तक मैं पहुंच जाऊंगा अयोध्या आराम से बेफिक्र होकर, तो फिर मज़ा आएगा। इनको क्या हो गया, पूछते हैं क्या हुआ है। कोशिश जारी रहेगी, क्या हो गया, क्या हो गया सर, पेट्रोल खत्म हो गया क्या, हाँ पंचर हो गई क्या, मेरे को लगा पेट्रोल खत्म हो गया तो पूछ लूँ। हाँ तब तो इसमें सर कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं। अगर पेट्रोल सब खत्म होता तो हेल्प कर सकते थे। अकेले बैठ के जा सकते हैं क्या, हो जाएगा दुकान यहाँ, ठीक है। तो मेन क्या आना कि पंचर है, अकेले होते तो कुछ उपाय भी हो जाता, मैं आगे बैठ के चला लेता, दो आदमी थे तो दिक्कत वाली बात थी, बोले 100 मीटर की दूरी पे है, हो जाएगा पंचर, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। मेरे को ना ये सब चीज़ अच्छा लगता है हेल्प करना। भाई साहब द रामायणा दिखा कि नहीं पता, लेकिन तगड़ा वाला होटल था भैया। जब तक मैं कैमरा चालू करते ना, भैया रात में एकदम घूम रहे हैं रूम के लिए, यही प्रॉब्लम होता है अगर लेट से आओ तो। मुझे उधर ही रुक जाना चाहिए था, क्या ना क्या रूम ढंग का कोई मिल नहीं रहा है, और एक तो इधर भैया काम चल रहा है ना, पूरा धूल 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 धूल, हर जगह धूल ही धूल है। आसपास देख रहे हैं कोई होटल ढंग का मिल जाए तो मिल जाए, अगर मिल गया तो इधर ही रुक जाएंगे। रात में कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कौन सा जगह है, नई जगह है, यही दिन में खूब तूफानी मचा रहेगा यहाँ। हाँ अगर पूछ के देखे क्या पता मिल जाए तो मिल जाए। अपने पास होटल रूम भी है क्या, रूम मिलेगा अपने पास, ऊपर
वैसे तो रात का अंधेरा हो चुका है, बट एक चीज मैं दिखा रहा हूँ, ये देखो भाई, ये रहा मंदिर, एक ये रहा वहाँ सामने, और एक आकाश के चीज दिखा रहा हूँ, ये देखो। तो सब सुबह देखने को मिलेगा। खाना खा लिए हैं और ये रहा रूम भाई, देख रहे हो कपड़ा वपड़ा सब कुछ ऐसे वैसे पड़ा, यहाँ रहा बाथरूम, एसी, अभी जस्ट एसी बंद किया है क्योंकि ना भाई ठंड लग रहा था। मैं सोचा रूम भी दिखा दूँ, मतलब जस्ट सामने आपको, मतलब जैसे ही वीडियो अगर आप लोग देखे होंगे तो मैं एंटर किया तो मतलब मंदिर के जस्ट सामने है, काफ़ी है, ठीक है, 900 रुपया में है, वैसे तो 1200 से बोला जा रहा था, ये मतलब कम करा करा के फिर 900 में किए, और जस्ट इसके नीचे खाना इतना ज़बरदस्त, अभी जो देखा होंगे इतना ज़बरदस्त, मतलब 150 रुपये में इतना कुछ खाने को मिलेगा, मज़ा आ गया। तो इस वीडियो को करते हैं ख़त्म, कल से शुरू करेंगे पूरा तबाही के साथ, करदा मचेगा करदा। अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट, और मतलब कल से ना ये वाला ब्लॉग तो मैं ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं, लेकिन हाँ कल वाला जो आएगा ना, कल से भाई फुलता हुआ एकदम पूरे भोखाल वाला सब वीडियो आएगा, मतलब मज़ा आ जाएगा आप लोग को, मतलब शुरुआत किए हैं आप लोगों को मज़ा आ गया। तो मिलते हैं फिर से एक प्यारा सा वीडियो के साथ, तो अपना ध्यान रखिएगा और लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलने, ओके।